जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मजेदार होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को, ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है, क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहां एडजस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है, लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 35000 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोचकर देखिए कि धरती के सामने हम कहां टिकते हैं। चांद धरती से 3,44,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें, तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती है। हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरती समा सकती है, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौर मंडल की, तो हमारे सौर मंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौर मंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों मीटियोराइट्स मौजूद है। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें, तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहां तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें, तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3,60,00,000 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17 लाख तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहां आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये बीटल जूस, जिसका व्यास 1,23,00,000,000 किलोमीटर है। इसमें रीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 6 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहां आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीवाई कैनिस मेजोरिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है, और इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2,40,00,000 किलोमीटर है, और अब तक सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9,33,00,000 तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई तारा नहीं मिला है,
और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे, और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे, और इसमें स्टीफनसन जैसे 15000 तारे रखे जा सकते हैं। और इससे आगे हमें मिलता है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कंस्टिलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली इन सबसे करोड़ों गुना विशाल यह है हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, यानी मदाकनी, जो कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसको पार करने में प्रकाश को भी 1,00,000 साल लग जाएंगे। और आपको बता दे कि प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर/सेकेंड होती है। हमारी आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह मौजूद हैं। तो यहां आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाश गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमीडा की बात करें, तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे तारे आ सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं, तो हमें एक और आकाश गंगा मिलती है, UGC-28 पेटिफी गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है IC-1101 गैलेक्सी, जो कि 40,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1,000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसी आकाश गंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाश गंगा भी कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये अल्क्योनियस गैलेक्सी, जो कि 1,60,00,000 प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है, इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40,00,000 गैलेक्सी समा जाएगी। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पे पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब हम और आगे चले और पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह 33 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाश गंगा अल्क्योनियस गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है, तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम तो इसके सामने कहीं नहीं टिकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग, यानी हम सब पृथ्वीवासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड जो हमारी सोच से भी बड़ा है, यह पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो यह काफी डरावना है। यह हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं। और अगर इसमें जीवन है भी, तब भी हम कभी इतनी दूर तक एलियंस से नहीं मिल सकते, और तब भी हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। जबकि यह ब्रह्मांड भी यहां आकर भी थमता नहीं है, क्योंकि इसे फिलहाल हमने देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। अगर यह कहीं खत्म भी होता है, तो उससे आगे भी क्या और ब्रह्मांड है।
अगर हाँ तो क्या वो हमारे ब्राह्मण से भी बड़े हैं? तो दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बात तय है, अब तक ब्रह्मांड की जानी गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित हैं और ये मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी, आकाश गंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक बहुत छोटे से ग्रह पर स्थित काफी छोटे 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में हम में से एक इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने ने कोई हैसियत नहीं रखता है। क्या आपके पास घमंड करने के लिए कोई कारण है? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है जिस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं, तो हमें बताइए क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़ी और डोमिनेंट थी। लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताएं क्या कारण है आपके पास कि आप कुछ स्पेशल हो, कॉमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।